हमारी पार्टी की जानिब से अभी कुलिक एमएलसी साहब ने तफसीलात बताई। मैं बस यही चाहता हूं सर कि जहां पर नैरो लेंस है वहां पर अंडर केबलिंग की सख्त ज़रूरत है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जहां पर बंच केबलिंग की ज़रूरत है वो भी ज़रूरत है, इस बात की होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स, न्यू ट्रांसफार्मर्स, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मटेरियल सब स्टेशन पर होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करूँगा कि जो फंड्स, जो बजट्स की वहाँ पर ज़रूरत है वो दिया जाए ताकि मटेरियल ऑफिस में रहे। तो एफओसीज के जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत कमी देखी जा रही है, एफओसीज वर्कर्स को बढ़ाया जाए ताकि इंटरप्शन ऑफ पावर ना हो पाए। ब्रांचेस ऑफ ट्री कटिंग, जो मेंटेनेंस है सब यहाँ पर, तेलंगाना बनने के बाद जो पावर सप्लाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सिर्फ जो मेंटेनेंस वर्क के सबब से इंटरप्शंस आ रहे हैं ओल्ड सिटी में। मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करूँगा कि मेंटेनेंस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। शुक्रिया।